ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। दिल्ली के अध्यादेश के सवाल पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया केंद्र सरकार को हराना चाहता है। इंडिया के बीमार सांसदों को संसद लाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। व्हीलचेयर से आकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हराने के लिए उनकी बेकरारी दिख रही है। मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्षी अलायंस इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। यही वजह है कि संसद तक नेताओं को पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली अध्यादेश के मामले में मोदी सरकार को संसद में हराने के लिए इंडिया से जुड़ी सभी विपक्षी पार्टियां अपने उन नेताओं को भी व्हीलचेयर और एम्बुलेंस लाने की तैयारी कर रही है जिनकी तबीयत नासाज है। इन नेताओं में देश के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल है। यही नहीं, दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर इंडिया अलायंस से जुड़ी सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया कि किसी भी हालत में सोमवार यानी 31 जुलाई को संसद में हाजिर रहे और दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर सरकार के खिलाफ वोट करें। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में लाए गए अध्यादेश पर बीते दो महीनों से सड़कों पर छिड़े घमासान के बाद अब बारी है संसद में शक्ति प्रदर्शन की। 31 जुलाई ये वो दिन है जिस दिन तय होगा कि राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिल पाएगा या नहीं। इसके लिए मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष अपने उन वरिष्ठ नेताओं की जिनकी तबीयत नासाज है उन्हें भी व्हीलचेयर और एम्बुलेंस का इंतजाम कर संसद में लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जब राज्यसभा में ये अध्यादेश पेश किया जाएगा तो 90 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर लाए जाएंगे, तो वहीं जेडीयू के बीमार सांसद 75 साल के वशिष्ठ नारायण सिंह भी एम्बुलेंस से संसद में लाए जाएंगे। इतना ही नहीं, 79 साल के झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन भी मेडिकल सुविधा के साथ संसद में आएंगे। मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन काफी वक्त से बीमार चल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल जुलाई में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे थे। ये पहली बार था जब मनमोहन सिंह को व्हीलचेयर पर संसद में देखा गया था। उस वक्त उन्होंने 4 सरकारी अधिकारियों की मदद से अपना वोट दिया था। अब एक बार फिर मनमोहन सिंह समेत वशिष्ठ नारायण और शिबू सोरेन भी संसद पहुंचेंगे। विपक्ष और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए यह अध्यादेश कितना जरूरी है, इसे आप इस बात से समझिए कि अगर ये बिल पास ना हुआ तो बीजेपी की फजीहत हो जाएगी, तो वहीं विपक्ष के लिए संसद में पहली बार नंबर के जरिए एकता दिखाने की भी ये अग्नि परीक्षा है। शायद यही वजह है कि बीमार नेता भी अब संसद पहुंचेंगे। अब विपक्ष की इस तैयारी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अध्यादेश सिर्फ दिल्ली और अरविंद केजरीवाल का मसला नहीं रह गया है, बल्कि अब ये मोदी सरकार को विपक्षी एकता दिखाने का हथियार बन गया है, जिसे लेकर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और सदन में पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी सदन के नेता पीयूष गोयल से बात की और उनसे ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि सरकार ये अध्यादेश लाने से पहले सदस्यों को इसके बारे में सूचित करे। वहीं अब इसी अध्यादेश के मुद्दे पर संसद में हुई वोटिंग से पता लग जाएगा कि मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में लोकसभा चुनावों में टक्कर देने के लिए जो इंडिया अलायंस बना है वो सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार को कितनी टक्कर देने के लिए तैयार है या नहीं। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।